मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तर्क से परे का काफी सज्जन इंतजार कर रहे थे, बियॉन्ड लॉजिक, जो भूतों प्रेतों के संसार के बारे में है। मैंने काफी कुछ बताया आप लोगों को एहतियात के तौर पे, तो हम उसकी शुरुआत करते हैं जहां उनकी आवाजें आनी शुरू होंगी। जैसे कुछ लोगों ने राय दी मैं कि आप भाई वो मत सुनाएं उनकी आवाजें। अब बहुत से लोगों को तो उसकी उनकी जो आवाजें सुनने का वही कौतूहल है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सज्जन पुरुष हैं, वो कहते हैं कि भी उनकी आवाज ना ही सुनाओ अगर उसमें रिस्क फैक्टर है। अब देखिए, बार बार हम इस बात का जिक्र भी करते रहे कि जो हमारे भाग्य में है, कारण उसका जो भी बन जाए वो तो होना है, लेकिन अगर उससे ज्ञान लेके, उससे नॉलेज जानकारी लेके कुछ लोग अच्छे इंसान बन जाते हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो बुरे कर्म कर रहे हैं, हो सकता है उनकी आवाजों ने ही उसका आधार बनना हो। उनको सुन के कि भाई इतनी लंबी लंबी सजाएं मिलने वाली हैं, उनके संदेश सुन के कुछ लोगों का भला हो जाए, वो नेक बन जाए, वो झूठ बोलना, बेईमानी करनी, धोखाधड़ी करना सब बंद कर दें, नेक भगवान का नाम जपना शुरू कर दें, तो फिर वो सार्थक हो गया। भाई रात को मत देखना, कमज़ोर दिल वाले मत देखें, या जिसको ऊपरी चक्कर रहता वो मत देखें, प्रेग्नेंट औरतें मत देखें, तो ये एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, कौतूहल है, और बहुत सारे लोग तो इसको मानेंगे नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है, क्योंकि हमने भी उनसे पूछा था कि भाई बिना किसी माध्यम के इनको आवाज़ कैसे मिल जाती है, तो उन्होंने कहा कि भाई जो मियाँ जीते के आयत करीमा जो है उसको पढ़ते हैं, उसको सिद्ध किया उन्होंने, उसका दम करते हैं, तो उसकी बरकत से इनको आवाज़ मिलती है। बहुत अद्भुत मामला था। शुरुआत करते हैं हम तर्क से परे, जिसका हमारे बहुत सारे मित्रों का इंतजार था, आगे उनकी आवाज़ें आएंगी, उसके लिए हमें निश्चित रूप से एहतियात बरतनी होगी। तो पेश है तर्क से परे, बियॉन्ड लॉजिक। ये धारावाहिक जनाब सैयद अहमद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह और हाजी अब्दुल समद साहब सहित उन सभी लोगों को समर्पित है जिनकी ज़िंदगी में तमाम किस्म के अजब, गैर यकीनी और तर्क से परे वाकयात पेश आए, और जिन्होंने अपने उन हैरत अंगेज़ ज़ाती तजुर्बों के अलावा अपनी बेबसी, लाचारी और गहरी पीड़ा को हमारे साथ बाँट कर हमें इस धारावाहिक के निर्माण के लिए प्रेरित किया। बहुत से लोगों के भोगे हुए सत्य पर आधारित इस धारावाहिक का लक्ष्य किसी पर अपनी विचारधारा थोपना नहीं, बल्कि जीवित और मर चुके इंसानों के दो अलग अलग संसारों के बीच तालमेल पैदा करते हुए दोनों जहां के लोगों की आप बीती के जरिए मौत से पहले और बाद के अनजाने अनदेखे सच की खोज पड़ताल और परख करना जरूर है, ताकि अगर जिंदा इंसानों के गैर मामूली तजुर्बों या मौत के बाद सजा याफ्ता भटकती रूहों की आप बीती में जरा सी भी सच्चाई है तो हम उनकी दी जानकारी और नसीहतों से सबक सीख कर सिर्फ अपना आज और कल ही नहीं, बल्कि मौत के बाद दूसरी दुनिया में अपने परसों नरसों को भी बेहतर बना सकें। इस विचित्र सच को कबूल करना या नकार देना हर शख्स की अपनी अपनी सोच समझ और तालीम पर निर्भर करता है, क्योंकि जिसे यकीन है उसे किसी भी तरह के सबूत या दलील की जरूरत नहीं रह जाती, और जिसे यकीन ही नहीं है उसे शायद दुनिया की किसी भी दलील या सबूत के जरिए यकीन नहीं दिलाया जा सकता। लिहाजा दोनों ही तरह की सोच के लोगों का स्वागत है यहाँ तर्क से परे। पागल जैसा हो गया था मैं, मेरी आग की आंसू की तरह खून निकलता था और हाथों में कोई ब्लेड की तरह कोई मारता था। डरावने सपने मेरे को दिखाई देते थे, और सुबह उठने पर मालूम पड़ता था कि गले में जैसे किसी ने जो है खून चूसा हो, उस तरीके के दो दाग जो है लगे होते थे। फिर मेरे हस्बैंड को तो पागल जैसा कर रखा था, वो तो साथ भी नहीं आते थे मेरे। रात को मैं सोऊं तो खाट के ऐसे लात लगे जैसे खाट यू सड़ जाए, तो मैं घबरा के बैठा हो जाऊँ। तो बीवी जल जाती है, बिस्तर नहीं जलता है। उनमें से निकले ये जिन्नात वगैरह सैलानी जिसे कहते हैं, मुझे आवाज आती थी कि आउ 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 करके मेरे मतलब सर को जकड़ लिया किसी ने। और रात में जैसे कि एक एक किलोमीटर लंबा सांप दिखाई देना, कभी सफेद कभी काला। उसकी मदर के शरीर से जिन निकला। मेरे में राक्षस भी निकले, नाटक करने वाले भी निकले, और प्रेत भी निकले, जिन भी निकले, भूत भी निकले। तो उस चीज ने रास्ते में गाड़ी भी मुझे खत्म कर दिया था, दो मिनट खत्म हुए पड़े रहे। डर लगता था जैसे किसी ने मार रहा हो मुझे, और कहीं एकदम पूरा अंधेरा अंधेरा दिखाई देता था।
मैं तो अपने मरीजों को जो है रिफर कर देता हूँ तांत्रिकों के पास में। घर पहुँचने के बाद 24 घंटे के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि सारे घर में हमें शराब की महक आ रही है। मंजी पर से नीचे गिर गया था अपने आप सोया सोया रात में। अब इत्तेफाक देखिए कि पति भी उड़ के चलती है, अब क्या समझेंगे आप उसको। उसमें पहले तो जिन निकला एक सपने में, वैसे सांप दिखने, नाक दिखने, डर लगना। तो गर्दन कट कर वो गिरती, वो यहाँ आए बाद ये बोलता कि मैं करवाया हूँ। मेरे विचार में जो है ये सुपरनेचुरल थिंग्स जो है मौजूद है, ये होती हैं और रहेंगी। इसकी मृत्यु करूंगा। मैनू फिर गया और किसी अच्छे लहर चला। ओ मैनू अरे हमको गाही बुला फिरे। मैंने प्रकाश होगा, सजा है 500 बरस की। अब हम भूत प्रीत हैं। मेरी उम्र 200 बरस की। लाइट काहे ना जला था। जरा मेरे को साले बंदी बनाया, हमको पीटा कैसे? हमको अल्लाह ने आदर्शी बनाया, इंसान को मिट्टी से पैदा किया। हम तो नर्क में तर्क से परे। जी हाँ, अभी अभी आपने अपने टीवी के ब्लैंक से स्क्रीन पर जो वार्तालाप और आवाजें सुनी वो वाकई तर्क से परे हैं, क्योंकि ये आवाजें किसी इंसान की नहीं बल्कि भूतों, प्रेतों या यूं समझ लीजिए किसी दूसरी दुनिया से ताल्लुक रखने वाली बहुत ही खतरनाक किस्म की आत्माओं की आवाज़ें थीं, जिन्हें हमने उन आत्माओं की मौजूदगी में खुद अपने कानों से सुना और आप सबके लिए रिकॉर्ड भी किया, ताकि हमारे अलावा और लोग भी हमारे इस तजुर्बे के जरिए न सिर्फ भूतों प्रेतों की बातें सुन सकें बल्कि उनकी दुनिया के बारे में जानकारी हासिल करते हुए उनकी आप बीती से कुछ सीख भी सकें। हो सकता है हमारी ये बात वैज्ञानिक या तर्कशील विचारधारा के लोगों को बिल्कुल ही बेमानी, बेबुनियाद लगे, मगर जो सच्चाई, जो रहस्य इंसानी सोच समझ और नजर की हर हद से परे हो, उसे नकारते रहना भी जायज नहीं, जबकि सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बाकी दुनिया में भी ऐसी बहुत सारी जगहें और ऐसे मज़ार पाए गए हैं जहां बेहिसाब लोगों के साथ इस तरह के वाकयात पेश आए हैं, जिनसे ये संकेत मिलता है कि हमारी दुनिया के अलावा भी आत्माओं की कोई अदृश्य दुनिया मौजूद है, जिसे आज के दौर में कबूल न करना शायद आधुनिकता की कोई मिसाल तो हो सकती है मगर वास्तविक जागरूकता या दूरदर्शिता नहीं, क्योंकि शुरुआत से ही कुदरत का हर राज इंसानी समझ और सोच से बहुत परे रहा है। लेकिन फिर भी अगर आज का इंसान लाखों करोड़ों सालों से इस असीमित ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को पूरी तरह से न समझ पाने के बावजूद उन्हें नकारते हुए नजरअंदाज करने को ही
आधुनिकता का मापदंड मानने लगे तो शायद ये स्वयं को छलने या धोखा देने वाली बात होगी, मगर यहां इस कमरे के अंदर अलग अलग किस्म की आत्माओं के साथ हमारा साक्षात्कार हमारे लिए दुनिया के किसी भी सबसे बड़े अजूबे से कम नहीं था। जब बहुत से भूतों, प्रेतों, मसानों, जिन्नों, राक्षसों और चुड़ैलों ने इंसानी शरीरों से बाहर निकल निकल कर एक अंधेरे बंद कमरे के अंदर खुद अपनी आवाज में हमसे बातचीत, बहस, शेरो शायरी, मजाक, धमकी, गाली गलौज और मिन्नत खुशामद करने से पहले बाकायदा हमें अपना अपना परिचय भी दिया, कुछ इस तरह से। नाम इदरीस है, मसान जिन्न हूँ। दौरिया मसान। जिन्न की कौन से हो? मैं चुलाए की रानी। मंगली राम, हम सैलान भूत हैं। अब्दुल हक जिन्नात। सोहनलाल, हम खीरी लखीमपुर के हैं। अरे कहां भुतवा होते? जिन्न अंकत ब्रिक जिन्न। मेरा नाम उमा शंकर, मैं सैलान हूँ। ओला सैलान। हमारा नाम भैरव सिंह है। उमा, हम सैलान प्रीत हैं। अब हम भूत प्रीत हैं। भले आज के इस आधुनिक और वैज्ञानिक दौर में तथ्य और तर्क से परे की इस विचित्र सच्चाई को ज्यादातर लोग आसानी से स्वीकार न कर सकें, मगर इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक अब किरलियन फोटोग्राफी के जरिए अंधेरे में ही इन आत्माओं को फिल्माने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहुत से फिल्म निर्माताओं ने आत्माओं और प्रेतात्माओं की सच्ची और काल्पनिक कहानियों से प्रेरित होकर ऐसी बहुत सारी रहस्यमयी और डरावनी फिल्मों का निर्माण कर दिया है, जिनमें से ज्यादातर फिल्में दर्शकों का मनोरंजन करने के साथ साथ व्यवसायिक तौर पर भी बहुत सफल रही हैं। मगर इन तमाम फिल्मों की सफलता को देखते हुए यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जिस सच्चाई को एक काल्पनिक फिल्म के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, उसी सच्चाई को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करना आज के इंसान की आधुनिकता और बुद्धिमत्ता के लिए एक चुनौती से क्यों बन जाता है? Ghost, in fiction, yes. In reality, no way, man. आप पढ़े लिखे हो के मॉडर्न युग में भूत प्रेत की बात करते हैं? भूत? I don't believe in भूत प्रेत यार। भूत प्रेत कमजोर आदमी की अपनी कल्पना होती है। What rubbish! I'm a modern intelligent girl. I don't believe in ghosts. आज की साइंटिफिक एज में आप भूत प्रेत की बात कर रहे हैं? Very strange. आज दुनिया चांद पर पहुंच गई है और आप भूत प्रेत को लेकर बैठे हैं? इसके बावजूद आम तौर पर ये दलील भी दी जाती है कि जहां विज्ञान की सीमा खत्म हो जाती है, वहीं से अध्यात्मवाद की सीमा शुरू होती है। अगर विज्ञान का आधार तथ्य है तो अध्यात्म का आधार विश्वास और आस्था। तथ्य के बिना विज्ञान निराधार है और आस्था के बगैर अध्यात्म निरर्थक। मगर दिलचस्प बात यह है कि दोनों का लक्ष्य एक है, सत्य की खोज। वैज्ञानिक उस अनजाने सत्य तक तथ्यों और ठोस सबूतों के आधार पर पहुंचना चाहता है, जबकि अध्यात्मिक केवल अपनी आस्था और विश्वास के सहारे। एक का रास्ता बाहरी यानी तार्किक और तकनीकी है, जबकि दूसरे का रास्ता अंदरूनी यानी आत्मिक और रूहानी। लेकिन दोनों का लक्ष्य एक होते हुए भी विज्ञान और अध्यात्म के बीच सीमाओं के मतभेद का ये मुद्दा बहुत पुराना है, लिहाजा उसी पुरानी घिसी पिटी बहस में न पड़ते हुए हम आत्माओं के साथ हमारे साक्षात्कार का ये अजब तजुर्बा आपके साथ साझा करना चाहेंगे, जिसे हम सजादा नशीं हाजी अब्दुल समद साहब की बदौलत हासिल कर पाए, जिन्हें आमतौर पर मियाँ जी के नाम से भी जाना जाता है। मियाँ जी के इस लंबे इल्मी सफर की शुरुआत शहरी और ग्रामीण आबादी से काफी दूर हटकर यहाँ उत्तर प्रदेश में जिला बरेली की तहसील बहेड़ी के एक गांव जवाहरपुर के इस बाहरी इलाके में पुराने जमाने से बने हुए जनाब सैयद अहमद अली शाह साहब के इस मजार शरीफ से हुई, और इसी दरगाह शरीफ पर मियाँ जी पिछले 30-40 सालों से लगातार दुनिया भर के लाइलाज मरीजों को प्रेत आत्माओं के असर से छुटकारा दिलाते चले आ रहे हैं। आदी, 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 आदी।
साहिब मजार सैयद अहमद अली शाह साहब दादा मियाँ के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं की सरपरस्ती में, इन्हीं की तालीम, मेहर और फजल से कई सालों की सख्त मेहनत और साधना में खरे उतरने के बाद मियाँ जी ने खतरनाक से खतरनाक प्रेत आत्माओं को इंसानी शरीर से बाहर निकालकर उन्हें उनकी अपनी आवाज और भाषा में सब कुछ कबूल करवाने का गैर मामूली इल्म हासिल किया। आदे, 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 आदे। मियाँ जी इन खतरनाक आत्माओं को गिरफ्तार करवा के सजा दिलाने के साथ साथ बदतमीजी करने वाले जिन्नों, मसानों और भूतों को कोड़े भी लगवाते हैं। साला छोड़ तेरी माँ का हूँ। एक लगा लगा दो इसके। क्या? क्या लगाएगा? देखूँगा। तेरी माँ का। लगा साले के जोर से लगा। लगा। क्या लगा? जिन्नों, भूतों और प्रेतात्माओं के सताए हुए लोग पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद हजारों की तादाद में हर साल उर्स शरीफ के मौके पर मियाँ जी से फूंक लगवाने और उनके गुरु दादा मियाँ जी के मजार शरीफ पर सलाम करके उनका शुक्रिया अदा करने यहाँ आते हैं। दादा मियाँ और मियाँ जी के मुरीदों और मरीजों में सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि MBBS MD डॉक्टर्स, वकील, व्यापारी, वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अफसर, बिल्डर्स और पढ़े लिखे लोगों के अलावा हर मजहब और जात के लोग शामिल हैं। मगर जब हमने इस बात पर हैरानी जाहिर करते हुए मियाँ जी से पूछा कि डॉक्टर्स भूतों प्रेतों में यकीन कैसे कर लेते हैं, तो मियाँ जी ने बताया कि वो खुद भी अक्सर डॉक्टरों से यही सवाल करते रहते हैं। मैं डॉक्टरों से कह देता हूँ कि भाई आप क्यों मानते हैं जी? तो दो एक डॉक्टर ये कि मरता क्या नहीं करता। आपको मैं देखा, ये डॉक्टर है, यहाँ आप उनसे बातचीत कीजिए, वकील है उनसे बातचीत कीजिए, यहाँ क्या कहते हैं। विदेशों में भी बहुत से हिंदुस्तानी और विदेशी लोग मियाँ जी के इल्म से फायदा उठा चुके हैं। यही नहीं, मुंबई फिल्म जगत के बहुत से मशहूर फिल्मी सितारे भी अपनी लाइलाज समस्याओं और प्रेत बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए अक्सर मियाँ जी के इल्म से मदद लेते रहे हैं। मियाँ जी का भूतों प्रेतों से छुटकारा दिलवाने का ये तरीका कभी कभार कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका अंदाजा हमें उस वक्त हुआ जब मियाँ जी ने मंत्रों के जरिए भूतों को बांधने वाली अपनी बंदिश टूट जाने की एक दुर्घटना के बारे में हमें बताया। एक दफा मैं काम कर रहा था, जैसा करता हूँ, लिहाजा जो मेरे जो चीज जिसको मालूम है कि बंदिश ऐसे खत्म होती है, उसने बंदिश खत्म कर दी। अच्छा। और ज्यादातर बंदिश शराब से खत्म होती है। अच्छा, तो शराब पी के कोई आदमी यहाँ भेज दिया या क्या? भेज दिया जाए, शराब बंदिश पे डाल दी जाए। अच्छा। हाँ। तो एक ने बंदिश पे शराब डाल दी। अच्छा। तो डालने के बाद हुआ, बंदिश टूट गई। अच्छा। एक राक्षस निकला हुआ था, तो जो पानी पिलाता है जी, उसके पीछे चलने लगा वो। अच्छा। लिहाजा वो पीछे हटता चला गया, तो मैं ये सोचा कि वजह क्या है कि ये उसके पास क्यों जा रहा है। मैंने पढ़कर उस पर दम किया। अच्छा। यानी फूंका पीछे, वो मेरे पास पलट आया। अच्छा। तो पलटने के बाद जब उसने मुझे उठा के मारा है, क्योंकि बंदिश तो खत्म हो गई जी, है, तो मैं आधा दरवाजे के बाहर और आधा अंदर। अच्छा। मतलब ये सब सब टूटा उल्टा हुआ है मेरा ये। अच्छा। नाक से मुंह से खून सब चलता रहा, मुझे मजार पे डाल दिया गया। इसका मतलब तो अब भी जब आप करते हैं तो खतरा बना रहता है? बना रहता है। हमारी दिली ख्वाहिश थी कि किसी तरह से इन प्रेत आत्माओं की असली शक्लो सूरत को फिल्माकर सारी दुनिया को दिखाया जा सके, मगर मियाँ जी ने हमें बताया कि बंदिश टूट जाने वाली दुर्घटना में बुरी तरह जख्मी होकर 6 महीनों तक अपनी याददाश्त को बैठने के बाद से उन्होंने आत्माओं को रोशनी में दिखाना बंद कर दिया है। लिहाजा मुझसे मतलब मना हो गया, इनकार हो गया कि नहीं ऐसा नहीं, जबकि मुझे मार दिया उन्होंने, 6 महीने रहा ना मैं। यहाँ आकर हमारे सामने एक अजीब समस्या खड़ी हुई थी। मियाँ जी के मुताबिक रोशनी में भूतों को दिखा पाना मुमकिन नहीं था, और अंधेरे में भूतों को फिल्माने वाला कोई कैमरा उपलब्ध नहीं था, लिहाजा दर्शकों को भूतों की असली आवाज सुनाने के साथ साथ उनकी असली शक्लो सूरत दिखाने के लिए हमने मियाँ जी से भूतों के हुलिये के बारे में जानकारी हासिल की। ये ज्यादातर नंगे से जैसे होते हैं, नंगे भी होते हैं ये। अच्छा।
तो अब किसी का होठ जो है वो नीचे को होता है, किसी का ऊपर, किसी की आंखें टेढ़ी है, किसी ये है नाक लंबी है, इस तरीके के होते हैं ये। अच्छा, दांत वगैरह? दांत लंबे होते हैं हमेशा? हाँ। सबके? नहीं, सबके एक से नहीं होते, किसी के इधर को जा रहे हैं, किसी के इधर, या तो फिर देखने में ऐसा होता होगा या वो होते ही। अच्छा, और कान वगैरह? कान तो ऐसे ही होते हैं, जरा बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तक होते हैं वहाँ। अच्छा, और रंग? रंग काला भी होता है। अच्छा। और कुछ सांवला भी होता है। अच्छा। खूबसूरत तो होते नहीं, खूबसूरत नहीं होते हैं। बाल वगैरह, दाढ़ी मूछें? दाढ़ी मूछें सब होती है। अच्छा। और बाल लंबे होते हैं या? लंबे भी होते हैं, छोटे भी, जैसे हमारे आपके होते हैं। अच्छा, कद काठी वगैरह कैसे? कद जितना चाहे बढ़ सकते हैं, जितना चाहे छोटा हो सकते हैं। भूतों के हुलिये के बारे में मियां जी की दी जानकारी किस हद तक सही है, इस बात का फैसला कैसे हो? लिहाजा जब अंधेरे में भूतों के साथ हमारी मुलाकात हुई तो हमने उनकी शक्लो सूरत के बारे में उनसे भी सवालात किए। शक्ल? हाँ। हमारी कैसी होती है? हाँ, हमारी शक्ल तुम देखोगे तो डर जाओगे। नहीं तो इसीलिए तो जानना चाहते हैं ना, देखना नहीं चाहते। शक्ली भयानक होती है। भयानक? कितनी भयानक? बहुत भयानक। हाँ। हमारी शक्ल भोंडी होते रे। भोंडी? हाँ। अच्छा, डरावनी? डरावनी? हाँ। अच्छा। हमका देखे ना? हाँ। तो पेशाब लगा जाई। अच्छा। हाँ। ऐसे? हाँ। आखिर भूतों की अपने चेहरे के बारे में दी जानकारी के आधार पर हमने लगभग एक वैसा ही भूतिया चेहरा तैयार करवाया, ताकि भूतों की असली आवाज सुनने के साथ साथ आपको उनके असली चेहरे की भी हल्की हल्की झलक मिलती रहे। अब हम भूतों के साथ भेंट वार्ता करने के लिए लगभग तैयार थे, लेकिन यहां जिस कमरे में भूतों के साथ हमारी मुलाकात होने वाली थी, ये पक्का कमरा बिल्कुल खाली होने की वजह से यहां आवाज इतनी ज्यादा गूंजती थी कि एक तरह का शोर सा बन जाती थी, जिसकी वजह से कुछ भी ठीक से सुन या समझ पाना मुश्किल हो रहा था। लिहाजा यूपी के इस दूरदराज इलाके में इस तकनीकी समस्या को तुरंत हल करने के लिए हमने एक स्थानीय टेंट हाउस की दरियां और पर्दे इस कमरे की दीवारों के साथ टांग टांग कर वक्ती तौर पर आवाज का गूंजना बंद करके उसे सुनने और समझने लायक बना लिया। आखिर प्रेतात्माओं से आमने सामने होकर बातचीत करने का वक्त आ गया था। बाहर भूतों, प्रेतों, जिन्नों, मसानों, चुड़ैलों, सैलानों और राक्षसों से पीड़ित दूर दूर से आए तमाम लोगों की कतार तैयार थी, और अंदर हम अपने सवालात के साथ तैयार बैठे भूतों की आमद का इंतजार कर रहे थे। मगर तभी मियां जी ने अंदर आकर हमें बताया कि मंत्रों के जरिए भूतों को काबू में रखने वाली उस कमरे की बंदिश टूट चुकी थी, यानी बेकाबू खतरनाक प्रेतात्माओं के हाथों बेमौत मारे जाने का खतरा हमारे सामने था। भूतों, प्रेतों और जिन्नों से हम सब के बचाव के लिए मियां जी ने फौरन अपने चाकू के साथ इस तरह से इस कमरे की बंदिश की। बंदिश कर लेने के बाद मियां जी पूरी तैयारी के साथ अपनी जगह बैठ गए और किसी प्रेतात्मा से पीड़ित इस मरीज को अंदर बुलाया गया। जाहिर है कि यह सब देखने के बाद इंसानी दिमाग में कई तरह के शक और सवाल पैदा हो सकते हैं, जिनका जवाब देने की आगे चलकर पूरी कोशिश की जाएगी। मगर इसका यह मतलब भी कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि हम किसी पर अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश करेंगे। मगर आपसे हमारी यही गुजारिश है कि अगर आप सभी लोग बाकी के भूतों और मरीजों की आप बीती सुन लेने के बाद ही किसी पुख्ता या आखिरी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। बाकी ख्याल अपना अपना और पसंद अपनी अपनी, क्योंकि जिस तन लागे सोई जाने। शायद यही एक ऐसा सत्य है जिसकी कसौटी पर परखे जाने के बाद ही हमारे विश्वास या अविश्वास को कोई सही आधार मिल पाता है। लिहाजा अगर आप लोगों में से किसी के साथ भी कोई ऐसा तर्क से परे वाक्या पेश आया हो, या आप किसी ऐसे शख्स के बारे में जानते हो जो ऐसी ही किसी तर्क से परे की दुनिया से ताल्लुक रखता हो, तो मेहरबानी करके हमें उसके बारे में विस्तार से जरूर लिखें। सबसे अच्छी और सही जानकारी देने वाले खतों को इस कार्यक्रम में शामिल करने के अलावा वाजिब इनाम भी मिलेंगे। हमारा पता आखिर में दिया जाएगा, मगर उससे पहले हमारी इंसानी दुनिया के नाम भूतों के दिए पैगाम जरूर सुनिए, और भूतों की आप बीती और नसीहतों से सबक सीखकर अपने आप को बेहतरीन इंसान बनाने की पूरी कोशिश भी कीजिए, ताकि मौत के बाद अपने बुरे कर्मों के लिए दूसरी दुनिया में हमें प्रेत आत्मा बनकर हर पल नर्क की आग में जलना न पड़े। तो मिलते हैं
अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय इसी चैनल पर यहीं तर्क से परे। नमस्कार और भूतों के पैगाम के साथ अलविदा। ए संसार वालों, इस दुनिया में रहकर कोई बुरे काम मत करना, नहीं इसकी सजा बुरी मिलेगी, नरक में जाओगे। मर जाओ कर जाओ, मगर झूठ मत बोलो, कोई बदइंसाफी मत करो। हुक्म संसार में कर दो कि कोई बुरे काम ना करे, नहीं तो उसके लिए नरक है। भगवान ने नरक बनाया, खुदा ने नरक बनाया। पापी लोग नरक में जाएंगे और अच्छे लोग स्वर्ग में जाएंगे। इंसाफ के काम करो, चाहे गर्दन पर तलवार क्यों ना हो। कोई बुरे काम मत करो, सब भाईचारे से रहो। सब में लाल खून है, सब भाई भाई है। भाइयों, मरना हर आदमी को बहुत जरूरी है, मरेगा जरूर। ऐसे अविष्ठा करो कि तुम स्वर्ग में जाओ, नरक में मत जाओ। झूठ मत बोलो, किसी की चोरी मत करो, सब साफ काम करो। इसने संसार में रह के बहुत बुरे बुरे काम किए, इसको 300 साल की प्रीत्युनी दे दो। हमको प्रीत्युनी दे दी और अब उस पे बस मर रहे। देखो भाइयों, कोई बुरा काम मत करना दुनिया पर रहकर। अल्लाह कह लो, भगवान कह लो, परमेश्वर कह लो, सब एक है, कोई फर्क नहीं। इनने बुरे काम करे संसार में, इसको प्रीत्युनी में देगी तो हमका प्रीत्युनी 2000 साल की हुई। हुआ आज संसार तो नरकी है, नरकी नरक में जाएगा। इतने पाप कर रहे हैं, जैसे हमने तो कम किए हैं, ये तो ज्यादा हो रहे हैं। सजा है 500 बरस की। राम राम। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल,